एग्रोफोबिक का एक दोस्त है भाई, और बैंड पाइप मैंने अलग से ली थी। Hey guys, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और भाई लोग, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही। हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि अब रेगुलर रहूँगा, लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। बाकी आज मैं ऐसे निकला था नॉर्मली, और आज प्लान बन रहा था कि अपना एग्जॉस्ट चेंज करते, कब तक भाई ये स्टॉक में चलेंगे, एक साल होने आया गाड़ी को और ये स्टॉक में भाई परेशान हो गया। अब तो आज लगाते इसमें एग्जॉस्ट, जो कि मैंने मंगवा लिया था अमेजोन से एक्रोफोबिक का, और बैंड पाइप भी लगनी थी इसमें, तो बैंड पाइप भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। आज लगाते इसमें एग्जॉस्ट और देखते कि कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है ये। पहले तो यहाँ से कुछ सामान, फिर मिलते हैं आप लोगों को सीधा शॉप पे। हाँ गाइज, मैं आप लोगों को एक और बात बताना भूल गया। मैंने लिया है न्यू हेलमेट इग्नाइट का, मतलब इग्नाइट भी स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी की वो है, इग्नाइट का हेलमेट लिया है भाई। बहुत ही प्यारे ग्राफिक्स है इसके, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल तो पहले तो चलते हैं शॉप तक। मैंने लिया था ये वाला हेलमेट, एक बार चेक करो साइड लुक, और भाई ग्राफिक्स क्या ही प्यारे ग्राफिक्स है। ISI और डॉट दोनों से सर्टिफिकेट मिला है गाइज इसको, और एक बार मैं आपको इसका दोनों साइड से लुक चेक करवा देता हूँ। फ्रंट लुक भी ऐसा है कुछ, और ऊपर से कुछ ऐसा है, काफ़ी प्यारा हेलमेट है। तो पहुँच चुके हम शॉप पे, देखो जहाँ पे आगे थार लगी ना, वो वाली शॉप है। अभी आप लोग देख सकते हो, अभी लगा स्टॉक एग्जॉस्ट। देखो बहुत मुश्किल हो रहा है स्टॉक एग्जॉस्ट निकालने में, पता नहीं निकल ही नहीं रहा है। पूरी बाइक भी टेढ़ी कर दी हमने, यहाँ पे से भी खोल दिया है, पाइप भी ढीला कर दिया, फिर भी देखो गाइस ये स्टॉक निकल ही नहीं रहा है। दिमाग हो गया ख़राब। ये हमारे हिमांशु भाई, हमारे शर्मा जी पूरे परेशान है, बड़ी मुश्किल से भड़वा निकला है गाइस। ये निकाल दिया जाए कमेंट में बताना। नहीं नहीं, ये नहीं निकाला जाए, अच्छी चीज लग रही है। जिस जिसको पता है ये क्या चीज है प्लीज कमेंट में बताए, जेरी के साइलेंसर का ये निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। इसमें बैंड पाइप लग रहा है कि नहीं, ये चेक गाइस। ओ भाई, इधर किन्ने तो गांड मार दी भाई, बिना साइलेंसर के तो फाड़ साउंड है। तो गाइस अब इसको जो कुछ खोला उसे सेट भी करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली इतनी मुशक्कत के बाद हमारा एग्जॉस्ट लग चुका है एग्रोफोबिक का, डीबी क्लियर मैंने इसका निकाल दिया है। अब इसका एक बार आपको साउंड चेक करवाता हूँ। है शर्मा जी, कैसी लगी? वाह भाई वाह, बस सही है यार। ओ गाइस क्या ही साउंड आ रही है। ओ गाइस भाई साहब नेक्स्ट लेवल। भाई साहब एक नंबर साउंड है कसम से, बस पाओ ना लगे साइलेंसर में, पाओ ना लगे वो साइलेंसर में, साउंड तो एक नंबर आ रही है, साउंड बढ़िया आ रही है, तगड़ी आ रही है गाइस। आप लोगों को वीडियो में पता नहीं लग रहा होगा लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा साउंड है गाइस। तो गाइस अभी हमारे हिमांशु भाई जा रहे हैं इसका एग्जॉस्ट नोट चेक करने, और इसे आएंगे उधर से और वहाँ तक जाएंगे, चेक करते हैं कैसे साउंड दे रही है। साउंड चेक करो, कान दर्द हो गया भाई। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं घर को, अब हो गया एग्जॉस्ट भी लग गया। एक बार मैं चेक करवा देता हूँ, एग्रोफोबिक का एग्जॉस्ट है, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद से, देखो एग्रोफोबिक का एग्जॉस्ट है भाई, और बैंड पाइप मैंने अलग से ली थी। तो चलते गाइस अब घर को, देखते क्या सीन बनता है, खाना नहीं खाया सुबह से,
खाना पीना खाएंगे, थोड़ा सा आपको साउंड सुनाएंगे। ओ भाई क्या साउंड आ रही है भाई, इसका तो चलान भी तगड़े होगा मेरे को लग रहा है। ओ भाई साउंड तो एक नंबर साउंड दे रहा है गाइस, वो जा नहीं था इतना साउंड देगा। अभी मैंने डीपी क्लियर निकाल रखा है, आप लोगों को वीडियो में तो जज हो नहीं पाया कितना साउंड दे रहा है, लेकिन काफ़ी साउंड दे रहा है गाइस। और अभी मैंने डीपी क्लियर निकाला हुआ है, डीपी क्लियर लगाएंगे कभी तो लगाएंगे, अभी वैसे अभी लगाने का मूड तो है नहीं डीपी क्लियर। तो ठीक है गाइस, हमारा एग्जॉस्ट लग चुका है कुछ इस तरीके से लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और जो साउंड होगी अब एक नंबर साउंड होगी है, बाकी इसमें डीपी क्लियर लगा दूंगा मैं, क्योंकि डीपी क्लियर नहीं लगाया तो भाई चलान हो सकते, इसलिए इसमें डीपी क्लियर मैं लगवा दूंगा। बाकी गाइस मिलते हैं आप लोगों से बाद में, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।